तस्वीर बनानी थी मुझे और वो तस्वीर फेसबुक पे सजानी थी मुझे, फोटो अच्छा हुआ पैसे ही नहीं थे, वरना एक तरफ पार्टी सियासी बनानी थी मुझे। सियासत में छिड़ चुका है दीपक राग, हर तरफ है भागम भाग, पत्ती ज्यादा कम चीनी, अजब है भाई यकीनी। अरे पर उम्मीद हो जाओ फिर भी वासे चौधरी। चाहने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र आप तो बहुत हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। ताड़े हर गिर दो मिनट मैचिंग कपड़े पहने हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद आग लगा देता ना जी अपने कपड़ों को। सर प्यारे लग रहे हैं दोनों ही माशाल्लाह, चनियोड़ दे डाकिए लग रहे हैं। ठाकुर साहब देखो ना कितने प्यारे लग रहे जहीन। शुरू तो डाकखाने जाके कहंदे ने मेरी बीवी गुम हो गई रिपोर्ट लिख लो। वो कहंदे पागल हो गया पुलिस स्टेशन जा। कहंदे पता नहीं खुशी च पता नहीं लग रहा कितने जाना। चेकअप कराने गया तो लेडी डॉक्टर साहबा ने कहा कि लंबा सांस लो। इसने लंबा सांस लिया तो उन्होंने पूछा क्या फील हुआ, तो आगे से कह रहा है बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आप। ठाकर साहब तो भाभी ने दोवें खाना खान डे। ठाकर साहब खाना खा के उठ के प्लेट धो के रखी तो भाभी गुस्से च आ गई, कहंदी ये की कीता तुसी, ये घर नहीं होटल है। ठाकुर साहब भाई बहुत प्यारे ने। इन्हों का बेटा ने कहता अबू हम जहाज में अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं? अगर कहता जी असं गड्डी भी जा सकते हैं जो गड्डी तेरी अम्मी चला हो। लीजिए फिर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आप सबकी तालियों में राय तैमूर खान भट्टी। राय साहब के सामने दावत दी अपनी दूसरी मेहमान को, मॉडल हैं एक्ट्रेस हैं मोहतरमा रुबाब अलमास। माशाल्लाह आज मेहमान दोनों ही बड़े खूबसूरत हैं सर जी, लेकिन शेर जो मैं कहने लगा हूं वो मुझ पर ही है सर। अच्छा इरशाद क्या बात है। चुप साध के बैठे थे सभी लोग वहां पर, चुप साध के बैठे थे सभी लोग वहां पर, पर्दे पे जो तस्वीर थी कुछ बोल रही थी, और बीवी मुझे कल शाम जो करने लगी जदो को, माँ उसकी परे बैठी जहर घोल रही। मेरा शेर तो भाई जान के लिए है। अच्छा जी, सारी जिंदगी रज के खांदे जिन्ना हुकूमतां छड़ियां ने, सारी जिंदगी रज के खांदे जिन्ना हुकूमतां छड़ियां ने, मुंह ताडा नजर नहीं आउंदा मुछां ही इन्नियां वड्डियां ने। वो बेवफा कहती थी कि तेरा गम दिल में समाया है। अरे वाह अच्छा है अच्छा। वो बेवफा कहती थी तेरा गम दिल में समाया है, आज मुझे देखकर बच्चों को कहती देखो कैसर मामू आया। राय साहब इन तीनों शेरों में सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सा आया है? ठाकुर साहब इसका मतलब है तुम्हें समझ नहीं आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है जी नई नई हुकूमत नए नए मिनिस्टर, क्या होता है हमें बताएं इसके अंदर? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे। मेरे ख्याल में जो आज से पहले जो भी दौरे हुकूमत आए हैं और जो भी मिनिस्टर्स आए हैं, तो उस वक्त एक आम देखने वाले बंदे के लिए यही था कि यार मिनिस्टर बन जाएंगे तो बड़ी ठाठ बाठ और बड़ा सारा होगा शाहाना अंदाज। लेकिन एक जो हमने आके एक्सपीरियंस किया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में अब वो मिनिस्ट्री सिर्फ ठाठ बाठ नहीं है, इसमें बकायदा पूरा काम करना पड़ता है और दिन से लेकर रात तक करना पड़ता है। टोटली ऑफिशियल जॉब दी नहीं आपको क्या? सिक्योरिटी तो वैसे भी स्टेट का फर्ज है और दफ्तर के ऊपर वो चाय बिस्किट ही चल रही है। नहीं ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं हम सारे तो अपना एंटरटेनमेंट का खुद ही कर रहे हैं हम। अच्छा खुद ही कर रहे हैं माशाल्लाह। हां जी ढोल लेके आपे नची जांदे ने खाने वाले। अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट खाने वाली, खाने वाली मैं समझा अल्ला गुल्ला मतलब किसी मिनिस्टर ने पूछा ना तुसी की बनाया? मैं जी चार कोठियां बनाइया। तुसी की बनाया? छह गड्डियां बनाइया। इन्हों ने पूछा तुसी की बनाया? असी मुछा ही बनाइया जी। ये एक तो राय साहब ये बता दीजिए ये मुछे माशाल्लाह कब से हैं? छोटे होंदे रखी हैं।
کتنے سالوں کی تگو دوڑ کے بعد اس مقام تک پہنچی ہیں؟ نارمل ٹرمنگ تو ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے ساتھ، لیکن کٹوائی کبھی نہیں. اور یہ بڑا ایک امپیکٹ ہے ان مونچھوں کا، مطلب باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں آدھی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر مونچھوں کا بڑا کام دھام ہے، آپ کو اندازہ ہے نا؟ بھائی یہ مونچھاں تو مجھے دے دو نا، میں سر تے لا لاں، ایڈیاں جگتاں تے ختم ہونی. باب آپ کا کیا خیال ہے مونچھوں کے بارے میں؟ انہوں نے کڑے رکھ لی ہیں. اچھا خیال ہے کیونکہ میرے ڈیڈ کی بھی مونچھیں ہیں. آپ کے ڈیڈ کی مونچھیں ہیں تو آپ کو ڈیڈ جیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں ڈیڈ جیسے نہیں لگ رہے، لیکن مونچھیں ہونا اچھی بات ہے. مونچھیں ہونا اچھی بات ہے، یعنی کہ آپ کو مونچھیں پسند ہیں. جی یہ تو آپ کو زہر لگ رہے ہوں گے بالکل. سر پوچھ لو کیسا لگ رہا ہوں. مونچھوں کے بغیر بھی اچھے لگ رہے ہیں. کی پلے رہا تھا دسو. منسٹری آئی اس کے اندر آپ کو ملی ہے منسٹری فار یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس. تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ افیئر کیسے چلتا ہے؟ یہ کالج دے باہر کھلونا پیندا. وہ افیئر نہیں بھائی، یہ ابے یوتھ کے افیئر ہیں یہ. وہ بھول گئے لیپ ٹاپ سکیم جس میں تم نے اتنے لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کی تھی؟ کیڑا ساڈے دے خاندان چ کوئی نہیں پڑھیا میٹرک تو گئے سن کے تو لیپ ٹاپ. ارے یار وہ شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپ بھول گئے، بیگ سمیت ملتے تھے. آو آو جڑے وہ یوتھ والے ہی تو پروگرام میں تھے. تو سر یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے پاس بھی ہے ایسا پروگرام جس میں آپ بھی دے رہے ہو لیپ ٹاپ؟ یوتھ افیئرز کا پہلے جس طرح اس کے نام پہ باہر سے بھی فنڈز آتے رہے ہیں اور اربوں روپے کے لیپ ٹاپس لے کے، ایگزیکیوشن ایجنسی کبھی بھی نہیں رہی یوتھ افیئرس کی منسٹری، یہ صرف ایک سپورٹنگ اور فنڈنگ ایجنسی رہی ہے. کوئی اس کا کام پی آئی ٹی بھی کر رہا ہے، کوئی اس کا کام کوئی کر رہا تھا، اور مزے کی بات ہے ڈائریکٹوریٹ ہی نہیں تھا یوتھ افیئرس کا. ابھی اب ہم نے سمری موو کی ہے اور نئی پالیسی بھی بنا رہے ہیں یوتھ افیئرس کی. تو اس کا جو اصل اس کا سینس ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کی یوتھ ہے اس کو آپ نگیٹیوٹی سے ہٹا کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں. اس میں ان کی یوتھ کاؤنسلنگ ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ ہے، ان کی کیریئر بلڈنگ ہے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ کو ریلیونٹ منسٹری ملی ہے ساتھ اسپورٹس کی بھی، وچ آئی تھنک از بڑا ریلیونٹ ٹو دی یوتھ منسٹری کہ آپ ایگزیکٹلی آپ ان کو اگر آپ نے کسی اچھی چیز پہ لگانا ہے تو آپ ان کو ساتھ اسپورٹس کے ذریعے فیسلٹیز دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جا کے ہوں. تو اسپورٹس کا خود بھی شوق رہا؟ اسپورٹس کا جی. اسکول کیا کون سی اسپورٹس کھیلتے تھے؟ گلی ڈنڈا، سوئمنگ. اللہ رک جا، سوئمنگ بیٹے، سوئمنگ جی. کیا بات ہے، پانی نہیں بھی سی ہوندا پھر بھی چھال مار دیندے سن. نہیں رگڑ لو مگر نہیں. سوئمنگ کا شوق ہمارا واسطے بھائی جو اسکول تھا وہ بڑے ہی ایپٹ آباد میں، پپس ایپٹ آباد، اور پھر اس کی ایک برانچ گجرانوالہ میں تھی جہاں سے میری اسکولنگ تھی. تو وہ بڑے ہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ، اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ، وہاں پہ ایک ایسا ماحول تھا کہ وہ ہمیں ایک ایک بچہ تقریباً ہر گیم میں ہی وہ کھیلتا تھا اور ماہر ہوتا تھا. اس طرح کا وہاں پہ ایٹموسفیئر. سر اگر تسی منسٹر جے سپورٹس دے تے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جی رکھ لو پھر. یار تینوں کیڑا کھیلنا ہوندا تے انہاں نوں کیڑا ہوندا؟ ان کے پاس جو ہے وہ جو منسٹری ہے اس کا پی سی بی سے تعلق نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر چلو سوئمنگ ہی سیکھ لیں گے پھر. سوئمنگ کے لیے تمہارے وہ کر سکتے ہیں فیسلٹی. تو کیا کیا چاہیے سوئمنگ کے لیے؟ آپ کو سوئمنگ کاسٹیوم چاہیے اور آپ نے 11 بجے نہر پہ پہنچ جانا ہے. نہر پہ اوتھے نہر تے جا کے میں ڈڈو پھڑنے نے پہلے ڈڈو نہیں پھڑنے، آپ کے لیے خاص وہاں پہ اوپن سوئمنگ پول انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا نہر پہ جانا پڑے گا. ہاں نہر کا سوئمنگ کاسٹیوم شلوار لے کے پہنچ جانا ہے. یا تسی نال جانا، تسی ہوا بھی بھرنی ہے نا. دیکھیں نہیں آپس میں نہیں لڑنا. آپ نے مجھے بتائیں آپ کو ہے کوئی اسپورٹس سے دلچسپی؟ ہاں مجھے کرکٹ پسند ہے. کرکٹ پسند ہے؟ ہاں بٹ میں بہت گندا کھیلتی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ کھیلتی بھی ہیں؟ جی کھیلتی ہوں گھر پہ ہی کچھ کبھی. کیا بالنگ بیٹنگ کیا فیملی کے ساتھ کوئی بھی بیٹنگ کرنے کا؟ بالنگ زیادہ اچھی کرتی ہوں. فیورٹ کرکٹر کون ہے آپ کا؟ فیورٹ تو شاہد افریدی. شاہد افریدی لیکن آپ گوگلے سے ہیں ماشاءاللہ. مہنگے علاقے کا پیزا لگ رہے جی. مہنگے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان انکل کو پروگرام میں دیکھا ہوا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. آپ کو ان انکل کا نام پتہ ہے؟ بہت پسند ہے سب، بہت پسند ہے. آپ نہیں ہمارا نے چھوڑے ان کا بتائیں آپ صرف. انہوں نے چھڈو تو سی انہوں نے چھڈو انہوں نے کار والے نے بھی چھڑتا ہے. آپ کو ان انکل کا نام پتہ ہے؟ نہیں نام. میں آپ کو تین گیسز دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ امان اللہ، آفتاب اقبال، وسیع شاہ. ان میں سے کون سے ہیں وہ سب سے کونے والے؟ امان اللہ. آپ کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں. ووٹ ڈالا آپ نے؟ نہیں. کیوں؟ ابھی عمر نہیں نا ہوئی. نہیں نہیں عمر ہو گئی ہے. میں چاہتی تھی جانا لیکن میں نہیں گئی. پتا نہیں کیوں کیوں نہیں گئی آپ؟ کیا ہوا؟ کلیئر کریں پولیٹیشن سے آج. کیا پولیٹیشن سے مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا کیوں؟ کچھ نہیں چھٹی تھی اس لیے میں نے سوچا میں سو جاؤں تھوڑا. اچھا سو جاؤں. تو اگر اگلے 5 سال ہماری قوم کی قسمت سوئی رہی تو پھر اب کیا کریں گے؟ ہاں یہ تو ہے. نہیں مگر مجھے لیکن میرے ایک ووٹ سے کیا ہونا تھا؟ ہو سکتا ہے کچھ ہو ہی جاتا.
हो गया ना। अच्छा, अगर होता तो किसको देती हैं आप वोट? अगर होता तो, अगर आप डाल अगर देती, अगर मैं जाती तो मैं नवाज शरीफ साहब को डालती। देखा ना, आप ही का वोट था जिनकी वजह से आज वो घर बैठे। हाँ, मैं जाती तो शायद हो जाता कुछ। देखे ना, आपके वोट से कुछ अच्छा है ना सबके लिए कि अभी इमरान खान साहब आ गए। तो आप खुश हैं इमरान खान साहब से? हाँ, मतलब खुश है सब। खोल के बताइए, आप घबरा क्यों रही है? नहीं घबरा क्यों रही हूँ, घबरा नहीं रही। घबरा क्यों रही, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या क्या आप क्यों घबरा रही है? आप खोल के बताएं, आप क्या चाहती हैं इमरान खान साहब क्या करें? मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाए। कोई आपका कोई अपनी फील्ड के मुताबिक कोई हो आपका कोई ऐसा कंसर्न हो जिसको आप चाहती हो कि एड्रेस किया जाए? नहीं, अपनी फील्ड के मुताबिक तो कोई भी नहीं है ऐसा। कोई सही चल रही है फील्ड? सही चल रही है। हमारे में तो कोई मसला नहीं निकल रहा। नहीं। स्पोर्ट्स या यूथ फेयर्स के लिए कोई आपके पास है कोई एडवाइस देने के लिए उनको? कोई आप चाहती हो इस मामले में कोई बेहतरी आए तो वो आप बता सकती हैं डायरेक्ट उनको? आज नहीं, मैंने बोला मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं है, स्पोर्ट्स में है इंटरेस्ट कोई बता दें। कोई अफरीदी से मिलना चाहती हूँ, वही कह दें इनको। हाँ, उनसे मिलवा दें। आप अफरीदी से मिलना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मिलवा दूंगा आपको। ये कौन सी बात है, आप कैसे मिलवाएंगे? आप मुझे आई लव यू कह दें, मैं मिलवा दूंगा। आई लव यू मैं अपने चाचे ने भी मिलवाना था। मैं क्या बताऊं तुझे, खुद ही भूखा हूं क्या खिलाऊं तुझे, अगर जमानत हो वापसी की तो फिर सीवीयू पर भी लेके जाऊं तुझे, तेरा दिल सह सके अगर सदमा, अपनी तनख्वाह मैं बताऊं तुझे, ना 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 आ। अगली बारी भी इलेक्शन लड़ोगे? ए जे हो जे आ सदका खरात कर रहे ने, ए हो जे ही जीतनगे। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। राय साहब, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जब आप कंटेस्ट किए। जी ठीक है, तो उस वक्त आप क्यों तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं आए? नहीं, मैं पिछला जो बाय इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था 2014 में, वो पीटीए के टिकट भी किया था। अच्छा, लेकिन इस बार क्या हुआ, कौन आड़े आ गया? एक और वहाँ के थे, बस वो MNA का और उनका आपस में पैनल बन गया, तो मैंने फिर ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कहा मगर आप फिर भी जीत गए, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। तो वो जिन साहब ने नहीं उस वक्त आपको टिकट लेनी थी वो कहाँ होते हैं? वो भी आजकल घर ही होते हैं। अच्छा, वो भी आजकल घर, मोस्ट प्रोबेबली शायद बैरून मुल्क चले गए। अच्छा, थोड़ा जो ऊंची बोल, नहीं उनका अपना स्टाइल है। नहीं जरा यार राय नहीं एकदम, मैं समझ के क्या करें वो। मैं भेले हुए पिछले स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा मशहूर साहब के, वो तो बिल्कुल ही, वो तो साडी रोटी भी खा जाते। देखा ना, ये मसला है। मैंने एक बड़ा एक किया था, मुझे याद है पंजाब यूथ फेस्टिवल जो कि बड़ा हिट हुआ था, उसके अंदर गिनेस बुक वाले भी आए थे और हमने वो फिर गिनेस बुक के रिकॉर्ड तोड़े, कि आखिर में कानों को हाथ लगा दिया गिनेस बुक वालों ने कि तौबा असी पाकिस्तान वापस नहीं आना। हाँ। इस स्पीड से हमने रिकॉर्ड तोड़े थे माशाल्लाह। तो आपने भी कोई इस तरह का प्लान किया हुआ है कोई यूथ फेस्टिवल? सबसे पहले मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि हम यूथ की कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे आपका जोर है, फेस्टिवल नहीं कराना, उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे। ये एक और तरीके से जिसे कहते हैं प्रॉब्लम को पकड़ना होता है कि आप अगर उनको बहुत बेसिक लेवल से पकड़ रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, पहले कैरेक्टर सही हो, फेस्टिवल बाद में उनको हम खिला लेंगे। और वैसे भी उधर तो वो अखरोट ही तोड़ते रहे थे, कोई ऐसा सच कोई ऐसा तो नहीं वहाँ पे मुकाबला हुआ था गिनेस में? नहीं सर, आप गिनेस बुक उठा के देखें, वो आप देखिएगा जो है उन्होंने हमें वो दर्जनों के हिसाब से सर्टिफिकेट दिए। अखरोट तोड़ने वाले थे, खुद गोरा परेशान हो गया था कि मैं कितने आ गए। आपको वैसे अंदाजा है जो भी हुआ था यूथ फेस्टिवल? मुझे यूथ आप ही हैं। हाँ, क्या किस चीज का अंदाजा? यूथ का फेस्टिवल आपकी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुआ था। हाँ। आपको पता चला था? नहीं, वो तो भी सुनते हैं सर। नहीं मगर नहीं पता चला उनको भाई। आप चाहती हैं कोई यूथ फेस्टिवल टाइप चीज हो? हाँ, होनी चाहिए, होती है। क्या हो उसके अंदर, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आई। बड़ा तंदूर होता है, उसके ऊपर रोटियां लानियां पैनी हैं। नौ तंदूर, इस तंदूर विच आग, रोटी उत्ते रखी गद्दी, गद्दी का पता, गद्दी गद्दी का पता, इन्हें ढकी है हुणी। Good. You know, it's winter coming now. Yes. Last night I was shivering like a cat. Oh, meriyan pasliyan aapas vich vajjiyan jis tarah purane
ट्रैक्टर का इंजन नहीं स्टार्ट होता मैं ठंड लगी एंड आई वेंट टू द अमेरिकन कॉन्सुलेट ओके मैं क्या कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट मैं ब्लैंकेट लेना है हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਮੈਂ ਬਲੈਂਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਸੌ ਜਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰੇ ਬਲੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾ ਯਾਰ I need a 7,000. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਮ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਵਰ ਮੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਯੈਸ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਪੁਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਮੇ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਚੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਚੰਗ ਵਾਓ ਆਈ ਲਵ ਚੰਗ I went to the jang chinyot magiana you know o tanga laur da hove te paave chang da tange wala khair mang da o tange wala khair mang da laur da hove te paave chang da tange wala kuch bhi nahi denda kuch tange wala nahi kar sakta o aap bus di chhat te beh gaya hai I'm sorry about that ਸਾਤਜ਼ਾਦ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪੀਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਵਾਓ ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਮਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡਰਾਮਾ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਜੀ ਕੌਣ ਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ The film is coming in Pakistan. Oh, oh, oh. Yes, film da daur aa reha hai. Are? Inna nahi kam karna hai, main karna hai. Okay, no problem. Aise naal te nahi na zindagi hundi. Mohabbat, pyar, tuhaniyan akhan ch jehda pyar hai. Ye mere vaste bada hai. Agli wari bhi election ladoge. Eh, jeho jeha sadka khairat kar rahe ne, eho jeha hi jitange. رائے دہی رائے تیمور ویلکم بیک ٹو مذاق رات رباب یہ بتائیں آپ کو کس کی ایکٹنگ پسند ہے پاکستانی ایکٹر ہیں پاکستانی بتائیے پاکستانی مجھے زیادہ پرانی ہیروئنس پسند ہیں شبنم جی کی مجھے ایکٹنگ بہت پسند تھی اور میں ان کی بہت ساری فلمز دیکھتی ٹھیک ہے فلموں کے اندر اور اب جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں کون پسند اس وقت تو مائرہ خان مائرہ خان اور ایکٹر مردانہ ایکٹرس کے اندر شان شان پسند ہے ارے باپ تو یعنی کہ شان کے ساتھ اگر فلم میں کام کرنے کا موقع ملے تو آپ بھاگ کر کروں گی بھاگ کر کریں گے اگر شاہد فریدی منع کر دے پھر کرو گے شاہد فریدی کیوں منع کریں گے مجھے مثال دینا شان بھی کام نہیں کریں گے میں نے ایک چیز انٹرسٹنگ نوٹ کی آپ کو شین والے ایکٹرز پسند ہیں شبنم جی شان اور شاہد فریدی سیلیبریٹی سارے شین والے آپ کو پسند ہیں یہ میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہم نے نوٹ کروا دیا نا آپ کو سر آپ کو بھی کوئی سیلیبریٹیز پسند ہیں پاکستان کی پاکستان میں کوئی ایکٹرز آپ کو پسند ہوں انہوں جیڑا پسند ہوں ڈیالا بھیج دیں دے کون سا پسند آیا جو آپ نے دیکھا ہو کوئی آپ کو پہلے بھی یاد ہو جو کہ یار یہ مجھے بڑے پسند آئے تھے یا پسند آئی تھی کوئی بھی کوئی اتنا خاص اس قسم کا شوق نہیں ہے اس طرف کا رائے صاحب انجوائے کرو مذاکرہ چاہے جائے آئی سی یو چ نہیں آیا تھی یار یہ دیکھیں انہوں نے غلط بات کی یا نہیں کی باب آپ بتائیے اڈیالہ والی کون سی یہ جو اڈیالہ والی بات انہوں نے کی یہ انہوں نے کس کو لگائی تھی انہوں نے نہیں مجھے نہیں آئیڈیا انہوں نے پتا نہیں سمجھ آئے یہ نہیں سمجھ ہوئے تو شان نہ کام کرن دیکھیں آپ شان کو ایسے مت بولیں شان تو ہمارے ملک کی شان ہے آپ کو میں تین آپشنز دوں گا آپ نے بتانا ان میں سے کون اڈیالہ گیا اڈیالہ جیل کا نام ہے آپ کو میں تین آپشنز دینے لگا ہوں آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہیں قائم علی شاہ جناب آصف زرداری یا پھر فواد چودھری صاحب اتنا مشکل سوال نام سے کیا لگ رہا ہے کون گیا ہوگا نام سے آئی تھنک نہیں مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے ارے گیس ہی کر دیں آصف زرداری ہاں ہاں
आपकी अम्मी साथ आएंगे आपके? जी हाँ जी बैठी हैं। किधर है आंटी? स्कूल से भेजना सी खुदा आला वास्ते। हेलो हेलो रेडी वन रेडी वन रेडी वन टू थ्री फोर गंगनी ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं स्टाफ घाटे तुसी भी आ जाओ। अरे हर बंदा चलान ते ला दिता ने। ओए होए होए मुंडे चलांदे ने स्लीवलेस मोटरसाइकिल। स्लीवलेस? स्लीवलेस नहीं अपना हेलमेट लेस। हां ओ हेलमेट जेड़ा नहीं पाउंदा उन्होंने कहा चलान। हां 750 चलान तोड़े बिरा कर लेने की। ओए होए उंगलियां सुन्न हो गईया ने। वाह ओए होए उन्होंने कहा बस करी आओ। ओए हुण ते ई चलान भी शुरू हो गया। हां थोड़े दिनों तो बाद ओ चलान भी शुरू हो गया। जिन्नी सख्ती हो गई हुण इन्होंने पैदल बंदा जा रहा ओदा भी कर दिया करना इन्हें। बिल्कुल हेलमेट तो बगैर होया तो मैं कर देना। जिन्ने हेलमेट पाया ओदा चलान नहीं हो सकदा। हां लै तेरा कदी नहीं हुंदा फिर। मैं तुहानू सच्ची दसां हां तुहाडे घर इन्ने चलान आउणे ने इन्ने बिजली दे बिल नहीं आउंदे। ओए होए जिन्ने चलान आउणे ओए होए ये तो ये बिल्कुल ईमान ने उन्होंने दौर एडा अच्छा सी कख भी नहीं करना पैंदा। नहीं है मैं कह रहा भी ये नहीं है लेकिन शक्लों तो ओही ने। ये कोई और है? हाँ ये कोई और ने। मार से देखो हके राय दही हके राय दही राय तैमूर यूथ दे ने जूठ दे नहीं पुत्र कौन है? आप गेस करें कौन है? कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो रुबाब साहब। अरे वाह सर असि पुलिस हाँ सानू एक एक बंदे का पता होंदा आपको पता होता रुबाब अलमास साहब। कुछ ना कहो ड्रामा तुहाडा एडा जबरदस्त सी मैं वेख ही नहीं सकिया। अपना सॉरी मैं राज साहब नाल एक तस्वीर ले इजाजत है सर। वेरी गुड सर एडे सोहने लग रहे हो माशाल्लाह। मिनिस्टर होने की बजाय रांझा होना चाहिए। दिमाग पवाओ। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जी हिबा अजीब और गरीब तो सुनाइए। जी आजकल हम ड्रोन कैमरों को हवा में उड़ता देखते ही हैं और अब तो हमारी शादियों की शूटिंग में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होता है। और अभी पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि पिज्जा की डिलीवरी में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की हमारी खबर भी इसी से रिलेटेड है। अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में एक वालिद ने अपने बच्चे का दांत निकालने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया। वो कैसे? उन्होंने ड्रोन के साथ एक धागे को अटैच किया और धागे की दूसरी साइड को बच्चे के दांत के साथ अटैच किया और जैसे ही ड्रोन उड़ाया तो दांत भी उसके साथ ही उड़ गए। देखो ना वासी भाई लोग कितनी फजूल खर्चियां कर रहे ने। लखा रुपया ला रहे दांत कढ़वाने वास्ते। साढ़े इतने बच्चा गलती करे पे कहता इधर खलो मैं तेरे दांत कढ़ा। दांत ढीला होना चाहिए साहब जो निकल गया।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਡਾਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ ਜਿਸ ਡਰੋਨ ਸੇ ਲੋਕ ਡਰਤੇ ਥੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਦਰ ਹੋ ਗਏ दूसरी खबर क्या है ये खबर सुनाने से पहले मैं कैसर भाई से पूछना चाहूंगी मैंने सुना था कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका मालिक मकान आपको बहुत ताने भी देता है बहुत ज्यादा जी बहुत मैंने ससा वाले ताने देता है तो आप परेशान ना हो क्योंकि ये जो खबर मैं आपको सुनाने लगी हूँ ना इसमें आपके लिए एक टिप भी है तो आपने ध्यान से सुननी है तो हुआ कुछ यूं कि बर्लिन में एक 26 इयर्स की स्टूडेंट का अपने मालिक मकान से झगड़ा हो गया जिस पे उसने वो मकान तो छोड़ ही दिया लेकिन उसने ये भी इरादा किया कि अब से वो किसी किराए के मकान में नहीं रहेगी उसने एक ट्रेन की पूरे साल की टिकट्स खरीदी और अब वो अपने कपड़ों लैपटॉप और दूसरी सारी चीज़ों के साथ उस ट्रेन में आराम से जिंदगी गुजार रही है वासफ भाई खाम खास खातून ने एक साल के टिकट लिए यहाँ एक टिकट लेती साल पूरा सफर में गुजर जाता हूँ यो जी भूल ना करे शेख रशीद साहब आ गए ने बड़ी स्पीड ना ट्रेन चला रहे ने हाँ जी ट्रेन रुक जाए तो पिछो धक्का ला के टोर देने अच्छा साद रफीक साहब केड़े को 55 रुपए च 1 किलोमीटर कर दे हन ओ भाएने ट्रेन दी गल हो रही हेलीकॉप्टर दी नहीं हो रही आपको कोई अच्छा डॉक्टर वाकिफ है हाँ हाँ काफी है ते एदे दिमाग पुआओ तो किससे आगाज करें पहले मिर्सा साहब से करें सर ये बताइए किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसका फोन आए तो आप फोन अपना बंद करके साइड पे रख देंगे परवेज खटक चौधरी सरवर और मुराद सईद तो किसका फोन आए तो आप फौरन उठा लेंगे अभी फिलहाल तो पंजाब में चौधरी सरवर बिल्कुल सही है चौधरी साहब का फोन उठा लिया किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे आप खटक साहब खटक साहब को ठीक है और फोन बंद करके आपने साइड पे रख दिया मुराद सईद का सीनियोरिटी के बेस पे आपने डिसाइड किया आप एक गाड़ी में बनी गाला जा रहे हैं गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं अब आप कोई से चार लोग अपने साथ गाड़ी में बिठा सकते हैं तो वो कौन से चार होंगे जिनको अपने साथ गाड़ी में बिठाएंगे जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं अली मोहम्मद खान हाँ। अलीम खान शाह महमूद कुरैशी हाँ। उस्मान बुजदार और फयाजुल हसन चौहान ओके सोके पूरे आ जाओ सबको बिठा नहीं नहीं सब इसे चार सीटें देख मिनिस्टर लोग हैं आप एक एक सीट पर बिठाए उनको ये ना करें गड्डी जा रहे ट्राली देने जा रहे बुजदार साहब सीएम है वो तो अपने स्क्वाड के साथ अपनी गाड़ी में होंगे बाकी चार को बिठा लें आप एक्सपोर्ट्स कार पे आ रहे हैं जंग से वापस ठीक है सर और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे अपने साथ जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आयशा गुलेलई और रिहाम खान बैठा लो फिर तुसी बात जो कहना मिनिस्ट्री हुंदी सी एज अ वाइफ एज अ एक्स वाइफ ऑफ इमरान खान साहब रिहाम खान साहब को आप बिठा लेंगे ठीक है सर ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट है एक आपने खुद पहन ली जो कि उतर नहीं सकती अब दूसरी लाइफ जैकेट देकर आपने किसी एक की जान बचानी है तो वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किसको देना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास हैं उस्मान बुजदार और अलीम खान आई एम अ गुड स्विमर आई कैन बट यू कांट टेक इट ऑफ आई कैन हेल्प इसलिए मैंने आपको चिपका दी थी कि आप नहीं उतार सकते वो मुझे पता है आप अच्छे स्विमर है सर थोड़ा ऊंचा तो बोले हमें तो आवाज ही नहीं बोलते ऊंचा ही नहीं मुछा नु आवाज वज के फिर वापस चले पंजाब उस्मान बुजदार साहब वाह 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 वा। बहुत सारी तालियां राय साहब के लिए अब आपके पास भी जनरल नॉलेज के ऑप्शन हमेशा मौजूद है आप जहां मर्जी चाहें इस पे जा सकती हैं ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जाने लगी हैं दो वीआईपी पास आपके पास एक आपका अपना दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं इनमें से किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और मुबशर लुकमान डॉक्टर आमिर लियाकत को खास वजह एंटरटेन करेंगे वो ठीक है ये बताइए मैडम इनमें से किसके साथ एक साल के अंदर अंदर काम करना चाहती है किसके साथ दो साल के अंदर अंदर काम करना चाहती है और किसके साथ काम ना भी करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा बासी फवाद खान और हुमायूं सईद तो किसके साथ एक साल के अंदर अंदर काम करना चाहती हैं फवाद खान ठीक है जी दो साल में किसके साथ हमजा अली बासी और किसके साथ काम ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हुमायूं सईद के साथ भी काम करना चाहती हूँ लेकिन आपने उनका नाम सिलेक्ट किया है फॉर दिस कैटेगरी फिलहाल जी ठीक है तो हुमायूं सईद साहब का काम ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ना दो लाइफ जैकेट्स डूबती किश्ती एक आपने पहन ली दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकती हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी
ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी और इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। शाहरुख खान, सलमान खान, और ऑप्शन आपके पास है मियां नवाज शरीफ। तो बताइए किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? मियां नवाज शरीफ का। हाँ, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी? सलमान खान। और किसका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगी? शाहरुख खान ही रह गए हैं, जाहिर है उनका ही फोन बंद। शाहरुख खान साहब, अगर आपने कभी जिंदगी में फोन किया तो उन्होंने अपना फोन बंद करके साइड पे रख देना, ठीक है? लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, ठीक है जी, कनाडा तक की 15-16 घंटे की फ्लाइट है, दो आपने सीट्स बुक करवाई हुई थी बिजनेस क्लास के अंदर, ठीक है जी, और आप एक पे बैठ गई और साथ में किसी और को आपने बिठा सकती हैं क्योंकि जहाज भर गया है लेकिन लोग अभी भी बाकी हैं, तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठाना चाहेंगे उस फ्लाइट के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं अल्ताफ हुसैन और शायद खाकान अब्बासी। अल्ताफ हुसैन। खाकान अब्बासी का आपको आइडिया है वैसे? नहीं, कोई नहीं पता, कभी आपने नहीं सुना उनका नाम? नाम सुना है बट पता नहीं है कौन है। हमजा अब्बासी का तो आइडिया है ना? हाँ, बिल्कुल। उनके बड़े भाई हैं शायद खाकान अब्बासी। अच्छा, ओके, ठीक है। आपने हमजा अब्बासी की फिल्म देखी है परवाज़ है जुनून? हाँ, अभी तक नहीं देखी। अभी नहीं देखी आपने? पहले उनकी देखनी है परवाज़ है जुनून हमजा अब्बासी की, और उसके बाद आपने शायद खाकान की देखनी परवाज़ है नून। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। रुबाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।